ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। लाइट क्या फ्यूज हो गई है क्या? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आदिका। मैं हूं जानवी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैलेंज। ये कौन सा चैलेंज? ब्लडी मैरी चैलेंज। ब्लडी मैरी? दीदी आपको पता ना, मैं ब्लडी मैरी से बहुत डरती हूँ। और पिछले चैलेंज में ना मैं बहुत डर रही थी जब ब्लडी मैरी का नाम लिया था। क्यों डर रही हो? आज तो तुम्हें को चैलेंज करना है ब्लडी मैरी का। मैं नहीं करूँगी, आप ही करो। मैं तो यहाँ से बाहर चली जाऊंगी और आप ही करना। तो ब्लडी मैरी आएगी तो क्या मुझे अकेले लेकर जाएगी क्या? मिरर में से नहीं जानी? चलो तो वो तुमको भी ले जाएगी, घर में जितने सबको ले जाएगी अपने साथ। मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो एक सीक्रेट जगह में छुप जाऊंगी। ब्लडी मैरी ना कहीं पे भी आ सकती है। तुम अगर कबर्ड में छुपी होगी ना तो वो वहां से भी ले जाएगी। और जब तुम पॉटी करने जाओगी ना, पॉटी में रहती होगी, पॉटी भी साफ नहीं किया होगा, तो भी तुम्हें ब्लडी मैरी उठा के ले जाएगी। तो गाइस ये बकवास बंद करते हैं, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। राधिका तुम यहीं बैठोगी? नहीं। तो चलो, तो क्या हो गया? मैं बाहर जाके बैठूंगी, आप यहीं पे बैठना। नहीं, हम आगे बैठ के रहेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ब्लडी मैरी की स्टोरी बताऊंगी। वैसे तो आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी यूट्यूब पे, तो बतेरे भरे पड़े हैं, हजारों, कितने हजार भी क्या, मैं तो कम बोल रही हूँ, मिलियन से भी ज्यादा वीडियोस होंगी ब्लडी मैरी की। लेकिन इस ब्लडी मैरी चैलेंज में कुछ अलग है, क्योंकि मैंने जितना भी सुना है, मैंने गूगल पे और यूट्यूब वीडियोस देखा है, तो मैंने, मेरे को जितना समझ में आया, जितना मैंने सर्च किया है, तो मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगी। और यार मतलब दो टाइप की ब्लडी मैरी है, लेकिन जो मेरे को पहले वाली जो ब्लडी मैरी जो थी प्रेग्नेंट वाली, मुझे उसका तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ उसके साथ। लेकिन जो वो तो जो सेकंड टाइप की जो ब्लडी मैरी थी, तो वो ब्लडी मैरी जो थी बहुत ज्यादा डरावनी थी। मींस कि इतनी ज्यादा डरावनी थी कि वो अपनी सुंदरता के लिए जादू करती थी। और वो क्या करती थी, इतने छोटे छोटे बच्चों के ना, वो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करती थी, उनके खून में नहाती थी ताकि वो अमर सुंदर हो जाए, मतलब हमेशा के लिए, जितनी भी उसकी मतलब जिंदगी उसकी खत्म ही ना हो और वो एकदम सुंदर लेडी रहे। तो वो बच्चों को किडनैप करती थी और बच्चों के खून को पीती थी कटोरे में भर करके, और डेली अपने चेहरे को मिरर के सामने निहारती थी, कहती थी कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरे से सुंदर कोई भी नहीं। और वो अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए, वो सुंदर हो चुकी थी लेकिन अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो और बच्चों का अपहरण, मतलब किडनैप करती थी। और किडनैप करने के बाद उसके ब्लड को बाथटब में भरती थी, उसमें नहाती थी। तो ऐसे ही वो करती रहती थी, मतलब बच्चों की किडनैप करती थी। तो एक दिन क्या होता है, विलेज वालों को, गांव वालों को पता चल जाता है कि मैरी, जो ब्लडी मैरी नाम की चुड़ैल एक झोपड़ी में रहती है जंगल में, वो हमारे बच्चों को किडनैप करके ले जाती है। तो गांव वाले क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, उसकी झोपड़ी में जाते हैं, और जब देखते हैं कि वो इतनी सुंदर हो चुकी है, जो इतनी डरावनी चुड़ैल थी जिसे बच्चे देख करके भाग जाते थे, तो सब क्या करते हैं, उसको लेकर जाते हैं बीच गांव में, लकड़ियां लगाते हैं, उसको एक लकड़ी पे बांधते हैं, पत्थरों से मारते हैं, उस पे क्या क्या फेंकते हैं, अंडे फेंकते हैं, चप्पलें फेंकते हैं, उसे गालियां देते हैं गंदी गंदी, और उसको बांधते हैं उस रस्सी में, उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं। जब उसके ऊपर पेट्रोल डाल रहे होते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, और जो भी मुझे मिरर के सामने तीन बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी करके मुझे बुलाएगा, मैं उसके लिए जरूर आऊंगी। तो अभी तक वहां पे ऐसी एक इंसिडेंट हो गया था, वहां पे एक ऐसा हो गया था, तो जब ब्लडी मैरी मर जाती है, उसके तीन दिन बाद ही कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, मतलब कि फैमिली भी खुश हो जाती है कि अब तो वो चुड़ैल चली गई, बच्चे का कोई डर नहीं है, तो वो बच्चे खेल रहे थे। करीब तीन बच्चे थे जिसमें दो लड़कियां थी और एक लड़का था। तो एक लड़की थी, तो एक बूढ़ी सी औरत आती है, तो वो लड़की उसके पास जाती है
तो उस लेडी के हाथ में एक मिरर होता है, एक कैंडल होती है, तो वो लड़की को वो कैंडल और मिरर देती है और उससे बोलती है बेटा आप एक बार इसमें ना ब्लडी मैरी तीन बार बोल के दिखाओ। और जैसे ही वो लड़की ब्लडी मैरी बोलती है, सीरियसली उस मिरर में से ब्लड निकलता है और एक चुड़ैल बाहर आती है, उस बच्ची को मार देती है जान से। मींस कि तीन दिन बाद ही उसकी मौत के बाद ऐसा होने लगता है। फिर कई लोग उसको बुलाते हैं, जादू करने वाले लोग उसको बुलाते हैं कि हम चुड़ैल को बुलाएंगे, लेकिन वो चुड़ैल उन पे ही हावी हो जाती थी। और जितनी भी यंग गर्ल्स थी 18, 19, 20 या 25 ईयर्स की, वो जब भी ब्लडी मैरी को बुलाती थी तो उनके साथ बहुत बुरा होता था या तो फिर वो गायब हो जाती थी। तो चलो आज ये चैलेंज मैं करूँगी, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं ये चैलेंज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मैंने ये चैलेंज अपने स्कूल में अपनी फ्रेंड से बहुत लोगों से ये सुना था और सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि जानवी एक बार तुम ना ब्लडी मैरी चैलेंज करके दिखाओ, तुम इतने सारे हॉरर चैलेंज कर रही हो तो यार एक बार तो तुम ब्लडी मैरी करके दिखाओ। तो यार मैं उन्हीं के डिमांड पे ये ब्लडी मैरी चैलेंज कर रही हूँ। तो यार इस वीडियो पे मुझे 20K लाइक चाहिए, तो आप सब लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया तो यार कर दो। कितनी बार बोलूं, मेरे भी गले में दर्द होने लगता है ना, तो यार कर दो और वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो यार शेयर कर देना, शेयर करने में कुछ नहीं जाता, आराम से बस नीचे से ना वो शेयर होता है उसको दबाओगे और सबको शेयर कर देना ताकि मैं खुश हो जाऊं। तो चलो इस चैलेंज को मैं वॉशरूम में करूंगी, मिरर के सामने भी कैंडल। दीदी आप करो, मैं तो जा रही हूं। तो चलो मिलते हैं वॉशरूम में। आद्रिका तो चली गई, रात के 12 बज रहे, उसको नींद आ रही है, तो चलो हम मिलते हैं वॉशरूम के अंदर। यार मेरे हाथ में कैंडल है और सामने मिरर है। यार मुझे ना सच में बहुत डर लग रहा है बोलने में। चलो मैं बोलती हूँ, तो मैं तीन बार बोलूंगी ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। यारी कैसी आवाज आ रही है, गेट क्यों नहीं खुल रहा है? अच्छो लाइट क्या फ्यूज हो गई है क्या? काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मैंने कैंडल बुझा दिया तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। गेट क्यों नहीं खुल रहा है? मैं यहाँ पे बंद रही, लाइट को क्या हो गया? अभी तो चेंज किया था पापा ने। को पता चलेगा, बड़ा शौक था ना ब्लडी मैरी करने का। थोड़ी देर बंद होने दो। तुम थी? हाँ मैं थी। तुमने गेट क्यों पकड़ रखा था? मैं कितना डर गई थी। और ये लाइट को क्या हो गया है? लाइट का तो मैंने कुछ नहीं किया दीदी। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रही। आदिका